अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेल साइकिल का एक फेज़ है जिसे इंटरफेज़ कहा जाता है, उसे डिटेल से देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और फेज़ है इंटरफेज़ के बाद जो सेल साइकिल में आता है, जिसे एम फेज़ कहा जाता है या माइटोसिस मियोसिस फेज़ कहा जाता है, उसे भी डिस्कस करेंगे, बट दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियोज़। सो सेल साइकिल को देखते हैं। सेल साइकिल को सेल डिवीजन भी कहा जाता है। तो साइकिल का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ रिपीटिवली अक्कर हो अगेन एंड अगेन। सो सेल साइकिल में क्या हो रहा है? सेल जो है वो रिपीटिवली डिवाइड हो रहा है। सो उस डिवीजन को सेल साइकिल कहा जाता है या सेल डिवीजन कहा जाता है। सो सेल साइकिल में एक्चुअली में होता क्या है? कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अक्कर होते हैं जिनके ज़रिए सेल का जो जीनोम है, जो डीएनए है, वो डुप्लीकेट होता है, यानी डबल अमाउंट में हो जाता है। फिर सेल के कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी ऑर्गेनलीज और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी सेंथेसिस होती है, वो डुप्लीकेट होते हैं, उनकी नंबरिंग इंक्रीज़ होती है। फिर एट द एंड जो सेल है वो एक सेल से दो में डिवाइड हो जाता है और ये जितनी भी सेंथेसिस हुई हैं ये इक्वली दोनों सेल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सो सेल साइकिल के दो फेजेज हैं, नंबर वन इंटरफेज, नंबर टू एम फेज या माइटोसिस और मियोसिस फेज। सो इस लेक्चर में हम ब्रीफली इंटरफेज को डिस्कस करने वाले हैं। इंटरफेज बेसिकली प्रिपरेशन है फॉर द सेल टू डिवाइड, यानी इंटरफेज में सेल कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाता है माइटोसिस के लिए या मियोसिस के लिए। और माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और सेल एट द एंड इवेंचुअली दो में डिवाइड हो जाता है। सो इंटरफेज को फर्दर थ्री फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सबसे पहले देखते हैं G1 फेज। G1 फेज में क्या हो रहा है? जी से निकलता है गैप, जी का मतलब है गैप। सो यानी ये एक गैप पीरियड होता है जिसके अंदर कुछ इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं। सो G1 फेज में क्या हो रहा है? सेल जो है एंजाइम्स की सिंथेसिस कर रहा होता है, आरएनए की सिंथेसिस कर रहा होता है, मैसेंजर ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड डेफिनेटली राइबोसोम्स की मदद से। सो G1 फेज में एक्चुअली जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर सेल ग्रोथ एंड फॉर फंक्शन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सेल जो है वो G1 फेज में रहता है, बट सम टाइम सेल को सिग्नल जाता है कि अब तुमने डिवाइड होना है। सो सेल को सिग्नल गया कि अब डिवीजन स्टार्ट करनी है। सो G1 फेज से एकदम से सेल जो है वो S फेज में दाखिल हो जाता है। सो सेल साइकिल एक किस्म से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। S फेज में क्या होता है? अब क्योंकि सेल ने डिवाइड होना है तो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसने वो उनकी नंबरिंग इंक्रीज़ करनी है ताकि दो सेल्स के अंदर बराबर बराबर चीज़ें जाएं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं दोनों सेल में ट्रांसफ़र हो सकें। सो सबसे पहले क्या होगा? जो सेल का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, वो डबल होगा। सो एस फेज के अंदर डीएनए जो है उसकी रेप्लिकेशन होती है। सपोज़ दिस इज़ द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। एक्चुअली मैं सेल के अंदर एस फेज के अंदर डीएनए इस फॉर्म में नहीं होता, बट यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बताया गया है। वैसे तो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, उलझे हुए धागे की शक्ल में होता है। सो सपोज़ ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हुआ है, तो ये एक्रोमेटेड है। सो एक्रोमेटेड से एक और क्रोमेटेड बन गया। सो दो क्रोमेटेड्स यहाँ पर आ गए, यानी डीएनए की अमाउंट डबल हो चुकी है, बट क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। दिस इज़ वन क्रोमोसोम विद सिंगल डीएनए, दिस इज़ आल्सो वन क्रोमोसोम विद डबल डीएनए, और ये जो क्रोमेटेड्स हैं दिस इज़ वन क्रोमेटेड, दिस इज़ अनदर क्रोमेटेड। इन दो क्रोमेटेड्स को आपस में सिस्टर क्रोमेटेड कहा जाता है क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे के। और फिर माइटोसिस जब होता है तो जहाँ सेंट्रोमेयर से ये क्रोमेटेड सेपरेट हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन जाते हैं, एक क्रोमोसोम का हिस्सा जो है एक सेल में चला जाता है, दूसरा हिस्सा दूसरे सेल में चला जाता है। सो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, नॉट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अमाउंट डबल नहीं होती, डीएनए की अमाउंट डबल होती है। इसके अलावा एस फेज के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो ये होता है कि सेंट्रोसोम भी जो है वो भी डुप्लीकेट करता है, रेप्लीकेट करता है। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रियोल्स का पेयर जिसमें प्रेजेंट होता है, और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं जो जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं और फिर क्रोमोसोम को पुल फोर्स लगाती हैं, क्रोमोसोम दरमियान से टूटता है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। वो आप माइटोसिस और मियोसिस के अंदर क्लियरली देख पाएंगे। सो एस फेज के अंदर क्या क्या हो रहा है? डीएनए की सिंथेसिस हुई है, यानी डीएनए डबल हुआ है, और सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट हुआ है। सेंट्रोसोम दो बनेंगे तो अपोजिट साइड पर जाएंगे।
माइटोसिस में आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फेज आ जाता है जिसे जी टू फेज और गैप टू फेज कहा जाता है। गैप टू फेज में भी ग्रोथ कंटिन्यू हो रही होती है, डीएनए जो नया बना है वो चेक हो रहा होता है फॉर एनी एरर, यानी उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो उसकी रिपेयरिंग हो रही होती है। इसके अलावा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स जो हैं यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उनकी नंबरिंग इंक्रीज़ हो रही होती है, उनकी सिंथेसिस हो रही होती है, क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर्स में आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, सो ये तीन फेजेस आ गए सेल साइकिल के इंटरफेज में। इसके अलावा एक और फेज होता है जिसे जी नॉट और जी ज़ीरो फेज कहा जाता है, इसे एक और नाम भी दिया गया है क्विसेंट फेज, सेनेसेंट फेज भी कहा जाता है, डिफरेंट नाम दिए गए हैं। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, जी नॉट फेज ऐसा फेज होता है कि जब सेल ने डिवाइड नहीं होना तो सेल जी नॉट फेज में चला जाता है, यानी कुछ हमारी बॉडी के सेल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली जी नॉट फेज में एंटर हो जाते हैं, यानी उन्होंने कभी डिवाइड होना ही नहीं है ज़िंदगी में, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, वो सारी उम्र काम करते रहते हैं अनटिल वो किसी तरीके से मर ना जाएं। इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए जी नॉट फेज में जाते हैं, उसके बाद उन्हें सिग्नल जाता है और वो दोबारा से डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट जैसे कि एग्जांपल ली जाए, हार्ट सेल, न्यूरॉन सेल्स, ये एक ही बार में बनते हैं और तकरीबन बहुत लंबे अरसे तक क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, बट डिवाइड नहीं होते। सो एक्चुअली ये कौन से फेज के अंदर होते हैं, जी नॉट फेज के अंदर। सो सम टाइम सेल एंटर टू नॉन डिवाइडिंग फेज, एक ऐसा फेज होता है जिसमें डिवीजन अकर नहीं होती और इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट रेप्लीकेट नहीं करता। ओके, अब हम ज़रा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं, सेल कैसे, सेल साइकिल क्या है। सो सबसे पहले G1 फेज को देखते हैं, हेयर वी हैव G1 फेज जिसमें सेल की ग्रोथ हो रही है और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, RNA की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट टाइप के। फिर सेल को सिग्नल जाता है और सिग्नल जाने के बाद सेल जो है वो S फेज में चला जाता है और इसका DNA रेप्लिकेट करता है, इसके अलावा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, उसकी नंबरिंग डबल हो जाती है, इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनलीज होते हैं वो भी डबल होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है, सो वो भी डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर सेल एंटर हो जाता है G2 फेज में जब उसका DNA डबल हो जाता है, G2 फेज में जाता है, उस DNA की रिपेयर चेक एंड बैलेंस चेक किया जाता है कि DNA जो है वो ठीक तरीके से डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं। इसके अलावा सेल की ग्रोथ होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, यहाँ पर बेसिकली G2 फेज में सेल रेडी होता है फॉर माइटोसिस। सो G2 फेज के बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जिसे M फेज कहा जाता है, जिसमें माइटोसिस सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर मियोसिस को भी डिस्कस करेंगे। सो ये थोड़े से टाइम के लिए होता है, यानी एकदम से सेल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरफेज में गुजारता है, थोड़े से टाइम के लिए माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस में जाता है। सो माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होती है और फिर साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर सेल दो में डिवाइड हो जाता है। सो होपफुली आपको इंटरफेज की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ तक सेल का साइकिल कंप्लीट हो चुका है, माइटोसिस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या स्टडी किया। सेल साइकिल हमने स्टडी किया कि सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर सेल का जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी नंबरिंग इंक्रीज होती है, सेल का जीनोम डबल होता है और फाइनली सेल दो में डिवाइड हो जाता है, इस प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल के दो फेजेस हैं, इंटरफेज एंड M फेज। M फेज को माइटोसिस और मियोसिस फेज भी कहा जाता है। इंटरफेज को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज जिसे गैप 1 फेज कहा जाता है, S फेज फॉर सेंथेसिस यानी इसमें सेंथेसिस ऑफ DNA हो रही है, एंड G2 फेज। सो G1 फेज में ग्रोथ अकर हो रही है सेल की, डिफरेंट सेल जो है उसकी ग्रोथ और फंक्शन उसके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के। फिर S फेज में क्या हो रहा है, DNA डबल हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनलीज डबल हो रहे हैं, सेंट्रोसोम डबल हो रहा है। फिर G2 फेज आ जाता है जिसके अंदर सेल मजीद कुछ ग्रोथ करते हैं, कुछ प्रोटीन्स की सेंथेसिस होती है, ट्यूबुलिन वगैरह प्रोटीन्स की, और इसके अलावा DNA का एरर क्लियर किए जाते हैं, उसे रिपेयर किया जाता है। और सम टाइम कुछ सेल्स जो हैं वो जी नॉट फेज में जाते हैं, और जी नॉट फेज कहाँ पर आता है, ये साइटोकाइनेसिस के बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर आ जाता है जी नॉट फेज, ये कुछ सेल्स में आएगा कि जिन्होंने डिवाइड नहीं होना। ओके, जी नॉट फेज को हमने डिस्कस किया और फिर हमने इस डायग्राम को समझने की कोशिश की, और माइटोसिस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।